वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज फिर सुबह सुबह छत से शुरू हो रहा है मेरा वीडियो, क्योंकि जब कोहरा होता है ना तो मैं छत में जरूर आती हूँ एक बार उसे देखने। आज ना इतना कोहरा है कि बारिश की तरीके पानी बरस रहा है। देखो पानी नहीं, मतलब कि कोहरा बरस रहा है बारिश की तरह। देखो गीला है, फूल पन्नी जी लिए इसमें। देखो ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये जो कोहरा है ना, वो छाई हुई है, वो बरस रही है। देखो लौट लौट की सर्दी आ रही है। आज कोहरा कुछ ज्यादा ही है, पता है, एकदम धुंध सी छाई हुई है और गिर भी रहा है पानी की तरीके। देखो बरस रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रही है, रियलिटी में दिख रहा है। ऐसे बूंद बूंद से वो फुवारे से नहीं गिरते हैं, ये देखो ऐसे बरस रहा है और खुशबू भी आ रही है। हाँ, मैंने सबसे पहले सुबह उठकर मैंने अपनी मोटर खोली है ताकि टंकी फुल हो जाए और आरओ भी भर जाए, क्योंकि यहाँ पर लाइट अभी चली जाती है दिन में। इसलिए चली जाती है क्योंकि वो लाइट की जो लाइन वगैरह है ना, वो चेंज हो रही है। पता नहीं कुछ वायर चेंज हो रहे हैं, उसके दूसरे वाले वायर डल रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि 10 बजे से वो काम करने वाले आ जाते हैं तो 10 बजे से कट जाती है शाम को 5 बजे तक। एक दो दिन तक ऐसे ही चलेगा, तो उस वजह से पानी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये देखिए सुबह से मेरी सारी सफाई हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा काम मेरा ना ये सुबह का काम होता है, झाड़ू पोछा, वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने चाय आए बनाई है, तो यहाँ पर नानी नाना जी को चाय दी है। और ये बना रही हूँ यहाँ पर मैं बूंदी, तो जो नाना रायता बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो उनको नमकीन और सेव डाला पसंद नहीं है, तो बूंदी वाला ही पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पर बूंदी बनाई। और ये वीडियो मेरा 2 दिन पहले का है, जब नाना जी यहीं थे। अभी तो नाना जी मौसी के यहाँ गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ग्वालियर दिखाना था। कुछ मंगाया था, वैसे मैं मंगाने के पीछे बहुत डांट खा चुकी हूँ घर में, लेकिन फिर भी ये दोनों मुझे अच्छे लगे थे। मार्केट में जाने से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं खाली टाइम पे ना ऐसी चीज़ें खोल के देखती रहती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जो अच्छी लगती है मैं उसे मंगा लेती हूँ। और जबकि डांट भी बहुत गलती है कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ सही नहीं निकलती है, फिर भी ये लड़की ऑनलाइन के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन ये दो पार्सल इस बार फिर भी दो पार्सल मंगा लिए हैं, अभी मैं इनको खोल के नहीं देखती हूँ, बाद में खोल के देखती हूँ अकेले में कैसे निकलते हैं। वैसे मिंत्रा तो ठीक ठाक ही है। बार अपने हाथ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते करते मैंने सिर्फ 2 ही पैकेट मंगाए हैं, और ये कोड सेट हैं, तो मतलब अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो मंगा के देख लेती हूँ। और मैंने आप लोगों को एक ही दिखाया, एक खोल के नहीं दिखाया क्योंकि नाना जी बाहर आवाज़ लगा रहे थे, इस वजह से मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। अरे थोड़े खा लो, इतना लेट है, नाश्ता कर लेते हैं तो इतना टाइम, पता 3 बज रहा है और नाश्ता किए हुए हैं, लेकिन 3 बजे भी खाने का मन नहीं है। खा लो थोड़ा दाल, दाल बस ले लो। गई थी स्किन केयर वाले डॉक्टर के पास क्योंकि बहुत ना मेरे यहाँ फेस पे खुजली हो रही थी, और बहुत छोटे छोटे से दाने भी निकल रहे थे, यानी कि पिंपल जो कि एज में निकलते हैं उस वजह से छोटे छोटे। लेकिन मेरी क्या आदत क्या है कि मैं खुजली बहुत करती हूँ, सारी खुजली से वो हो जाते हैं, तो ना रेड रेड सब पूरी जगह ऐसे छोटे छोटे से हो रहे थे, उस वजह से मैं उनके पास गई कि मैं उनके वो थोड़ा मुझे मतलब कि फेस वॉश या क्रीम वगैरह बता देंगी और दे देंगी। तो उन्होंने ना काफ़ी सारी दवा दे दी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 टैबलेट है और ये क्रीम और फेस वॉश है जो दिन में 3 बार यूज करना है। वैसे तो ये ना मैंने डार्क सर्कल भी दिखाए थे, उन सबके लिए उन्होंने बताया था, तो मैं यूज करके देखूंगी क्योंकि डार्क सर्कल बहुत टाइम से हट ही नहीं रहे और इस समय तो और ज़्यादा दिखने लगे। ये देखो ब्लैक ब्लैक हो गए, थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से लेट सोना हुआ ना, ज़्यादा रात तक जगते रहना। और
और यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं अभी दुकान गई थी तो कुछ अपने लिए खाने के लिए ले आई हूँ। वैसे सिवान से होती थी तो ले आते थे, अब सिवान से है नहीं है। तो जब से सिवान से गई है ना, आज मैं पहली बार नहीं मतलब कि आज अभी दुकान गई थी। वो होती थी तो दिन में दो चक्कर तो लगा ही देती थी, उसका बहाना मिल जाता था, कुछ मेरा भी मन नहीं बनता है। लेकिन आज मैं चली गई थी कि चाय के साथ मन कर रहा था कुछ खाने का, तो यहाँ पर ये कुछ पैकेट लेके आई थी चिप्स वगैरह के। और यहाँ पर चाय देखो मैंने किस चीज़ में लिए, कटोरे में, क्योंकि चाय मैंने छानी तो थोड़ा सा ज़्यादा थी गिलस या में से, तो मैंने उसको कटोरे में छान ली। उनके आज मैं नाना जी की तरीके चाय पीऊँगी। और उसके बाद शाम को यहाँ पर मैं नाना जी के कपड़े फैलाने आई हूँ, क्योंकि उनको जाना है तो कपड़े उनके टाइम से सूख जाएंगे। और आज धूप नहीं निकली है, देखो बादल हो रहा है। जब से मामी गई हैं तो नानी को मामी की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उनका लास्ट टाइम चल रहा है। बस डॉक्टर ने डेट भी नहीं दी है, बोले जब किसी भी टाइम आपका मतलब कि वो टाइम आ सकता है। तो नानी को बड़ी टेंशन रहती है, फ़ोन आता है पूछती रहती है, फ़ोन आता है ना तो तुरंत पूछने लगती है क्या हुआ, रानी का फ़ोन है क्या, बता रही हैं। कह रही थी कि जब भी फ़ोन आता है तो बस हमारे अंदर से यही बात निकलती है कि हाँ अब हो गया कुछ ना कुछ, वही बताने के लिए पूछने के लिए फ़ोन किया है। तो जब से वंशी जब से गई है ना, तब से तो घर में एकदम से रौनक ही चली गई है। मतलब कि नानी शांत रहती है एकदम, वो तो दवा खा के बैठी रहती है और मैं हूँ तो अपने काम में लग जाती हूँ। बाकी बहुत मतलब कि एक अकेला अकेला फील होता है, क्योंकि ये महोबा वाला घर ज़्यादातर खाली रहता नहीं है, भरा ही रहता है। और जब ये खाली हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रामा मौसी के यहाँ रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि दो ही तीन लोग रहते हैं, तो वहाँ तो परमानेंट ही ऐसा माहौल रहता है शांत शांत। लेकिन यहाँ शांत शांत माहौल हो जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज ठंड तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज ठंड लग रही है। सुबह सुबह पता नहीं ऊपर आई थी अभी धूप में बैठने के लिए, सुबह सुबह की धूप में ऐसा लगता है बैठ ही रहो, उठो नहीं, और दोपहर में नहीं बैठा जाता है बिल्कुल भी। तो अभी हो रहा है 9 बजे है, जब घर में कोई होता नहीं है तो मैं अभी मतलब कि थोड़ी देर उठ तो जगी तो बहुत देर से हूँ, है ना, थोड़ी देर पढ़ाई अढ़ाई की। और पढ़ाई भी ऐसी सीरियस नहीं रह गई ना, कि एक पेपर है और टाइम बहुत है, आराम से पढ़ लूँगी। और बस उसके बाद बैठी रही नानी के साथ बेड में, और अभी 9 बजे चाय बनाई है, जहाँ 9 बजे नाश्ता भी हो जाता था। तो बस चाय पी ली, अब जा रही हूँ थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और आज नाना जी आ जाएंगे, आज नाना जी आ जाएंगे और मौसी भी शायद आ जाएंगी, क्योंकि मौसी का तो क्लियर नहीं है, लेकिन नाना जी तो आ जाएंगे, क्योंकि अकेले दिक्कत होती है ना। नाना को दिखाने जाने तक कल 2 दिन हो गए, दिखा लिया होगा, आज वापस आ जाएंगे शाम तक इंटरसिटी से। अभी जा रही हूँ, पहले नहा आके पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना बना लूँगी। बाकी खाना तो शाम को ही बनेगा जब नाना जी आ जाएंगे। बस देखते हैं शाम को कौन कौन आ रहा है, नाना जी का तो पक्का है, बाकी दोपहर तक फ़ोन करके पूछ लेंगे। और इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आएंगे। ऐसे ही मिलते रहे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।